नमस्ते फ्रेंड्स, मैं उज्ज्वला आप सभी का स्वागत करती हूँ कुक विद क्लासी रसोई में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हुए हैं। आज मैं गरम मसाला बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 10 से 15 लौंग ली हुई हैं और 20 से 25 इलायची, 1.5 टेबल स्पून काली मिर्ची, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 5 बड़ी इलायची यानी कि डोड़ा इलायची, ये 4 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून खड़ा धनिया और 2 स्टार फूल, आधा जायफल, क्योंकि जायफल गर्म होता है बहुत तो आधा ही डालेंगे, और यहाँ पे जावित्री के फूल लिए हैं 4 से 5, ये लिए हैं मैंने तेज़पत्ता 4-5 तोड़ करके। फ्रेंड्स, यदि आपको मसाला तीखा रखना है ज़्यादा तो आप इसमें काली मिर्ची और लौंग की थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और यदि आपको हर सब्ज़ी में या हर चीज़ में सौंफ का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून सौंफ भी मिक्स कर सकते हैं। चलिए बनाना देख लेते हैं अब इसको। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें सारे मसाले डाल के रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट ही करेंगे। बस इसको इतना रोस्ट करेंगे कि इसमें से जलने की स्मेल ना आए, बस इसमें जो हल्का फुल्का सा मॉइस्चर है यानी कि नमी है वो चली जाए। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट ही करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट हो गए हैं रोस्ट करते करते भूनते हुए, इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। बस अब इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और गैस से मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। चलिए निकाल लेते हैं इसको भी। अब इसको डाल देते हैं एक प्लेट में। अब इस मसाले को कुछ देर के लिए इसी प्लेट में छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये मसाले ठंडे हो गए हैं, चलिए अब इसको पीस लेते हैं एक मिक्सी जार में डाल के। अब इसको पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गरम मसाला पीस चुका है, देखिए कितना अच्छा पिसा है, खुशबू से पूरा किचन महक रहा है। देखिए, अब यदि आप यहाँ पर इसको छानना चाहें तो छान भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं छान रही हूँ क्योंकि एकदम बारीक पिसा हुआ है। देखिए कितना अच्छा मसाला बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड, जितनी क्वांटिटी यहाँ पे मैंने बताई है इसमें मिक्स की है मसाले में, उससे लगभग 100 ग्राम करीब मसाला तैयार हुआ है बनके। आप इसी मेज़रमेंट से बनाएंगे तो ऐसे ही इतना ही तैयार होगा, और यदि आपको सौंफ का फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी इसमें मिक्स कर सकती हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।